बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे आलू मटर का सालन, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें डाला है ऑयल, हिसाब से डाले हैं आप अपने, और दो मीडियम साइज़ के हमारे पास प्याज थे, हमने वो डाल दिए। उसके बाद हम इनको ब्राउन होने देंगे मीडियम फ्लेम पर, और हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। उसके बाद ही हम इसमें ये 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे, और 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया डालेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि ये नमक मिर्चें वगैरह सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएं बीच में। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा शोरबे के लिए। हम इसे फिर मिक्स करेंगे। उसके बाद जी हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर, और उसके बाद हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे। और जी ये जो आलू मटर हैं बहुत मज़े के बनते हैं, और हम इसके ऊपर ढकना दे देंगे ताकि जो इसमें टमाटर हैं ये गल जाएं। उसके बाद हम और चीज़ें डालेंगे। और जी देखें, हमारे टमाटर जो हैं गल चुके हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर, और मटर सारे डालने मटर हमने डाल। और फिर उसके बाद हम इनको मिक्स करेंगे ताकि मटर मिक्स हो जाए। और हम इसमें फिर थोड़ा सा और पानी डालेंगे, क्योंकि हमने शोरबा बनाना है, इस वजह से पानी ज़रूरी है। और फिर हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम दोबारा इसका ढक्कन दे देंगे ताकि पहले मटर थोड़े से गल जाएं। तो मटर हमारे थोड़े से गल गए होंगे, तो उसके बाद ये है हमारे आलू। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें आलू। ये हमारा आलू हमने डाल दिए हैं, और इसके बाद दोबारा जी हम इन्हें मिक्स करेंगे ताकि आलू भी मिक्स हो जाए मटर और शोरबे के साथ। तो जी ये गल जाएं, उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी पहले ये गल जाएं, मैं इस पर ढकना दे देती हूँ, बाद में मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। और हमारे बहुत ही टेस्टी आलू मटर बनकर तैयार हो चुके हैं, और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े के लग रहे हैं, और हमने इन पर थोड़ा धनिया भी डाल दिया है। बहुत ही टेस्टी बने हैं। उसका कलर भी बहुत प्यारा है। तो जी व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।